दोस्तों, एवन एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री का आपका जो कोड है वो है 043। और इस बार जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो दो टर्म्स में होना है, टर्म वन एंड टर्म टू। तो सिलेबस को डिवाइड किया गया है दोनों टर्म्स में। तो टर्म वन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आपसे MCQ पूछे जाएंगे और आपको बबल्स फिल करने होंगे। और जो टर्म टू है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, तो जिसमें आपके कन्वेंशनल पेपर होगा जैसा पहले होता रहा। तो अब इक्वली डिवाइडेड है ये, 35 मार्क्स आपके टर्म वन के रहेंगे, 35 मार्क्स टर्म टू के रहेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं जो टर्म वन में आने हैं और हर एक यूनिट को कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट यूनिट है। और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए ये साइड में लिखा हुआ है 11 मार्क्स है, लेकिन 11 मार्क्स कहाँ तक है, ये फर्स्ट टू यूनिट्स के 11 मार्क्स हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर वन, नहीं दो चैप्टर्स के हो गए 11 मार्क्स। तो यूनिट नंबर वन में हमारे पास जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो यहाँ तक हमारे पास 11 मार्क्स का आएगा। फिर थर्ड में आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ से ये 4 मार्क्स का एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाता है अलग से। तो एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा नीचे हमारे पास जो है फोर्थ हो गया हमारा, देन आया था हमारे पास फिफ्थ। ठीक है, ये तो फिफ्थ में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं फिफ्थ में। देन सिक्स्थ में हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और सेवन्थ में हमारे पास फिर आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर सम बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड टेक्निक्स है। तो ये 9 मार्क्स का आएगा लास्ट में ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल है 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट 7 यूनिट आएंगे आपके। तो 7 यूनिट जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, टोटल हमारे पास 35 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक यूनिट्स मिला के दे दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट टू यूनिट्स हैं 11 मार्क्स के यहाँ हो गया। देन ये एक यूनिट हमारा 4 नंबर का, 4 मार्क्स का, देन 6 मार्क्स का हो गया, देन यहाँ पर 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये दो मिला के, और फिर यहाँ पर ये 9 मार्क्स का हो गए। ठीक है, इस तरह से ये दिया गया है यहाँ पर, और टोटल हमारा 35 मार्क्स का ये सिलेबस हो जाता है। अब हम डिटेल्स देख लेते हैं हमारे पास जो यूनिट्स की डिटेल्स हैं। ठीक है, किस यूनिट्स में से क्या क्या आना है, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो ये अभी हम टर्म वन का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है हमारे पास। तो यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगी आपके पास केमिस्ट्री की। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। देन उसके बाद आता है सम ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो यहाँ पर मासेस है, दोनों तरह के जैसे एटॉमिक नंबर होता था ना, तो अब यहाँ पर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों आपको स्टडी कर लेना है। देन आता है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हम 9th में पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। देन इसी के साथ रिलेटेड है मोलर मास। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे तो मोलर मास भी आप निकाल सकते हैं। देन हमारे पास आता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जैसे मान लीजिए कितने परसेंट किस चीज़ की उसमें कंटेंट है, तो ये उसको बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देन आता है एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें उसका एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला कैसे भी जनरेट होता है। देन आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ बेसिक आ जाएगा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, और हमारे पास कंडीशंस रहेंगी कि केमिकल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास स्टोकियोमेट्री एनालिसिस। ठीक है, स्टोकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन। ठीक है,
बेस्ड ऑन हमारे पास स्टोकियोमेट्री। तो यहाँ पर स्टोकियोमेट्री जो है ये भी बेसिकली हमारा रिएक्शन से रिलेटेड रहता है, जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है। उसके बाद ये हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है यहाँ से, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब एटम को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स है स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो बोस मॉडल है, ठीक है, बोस एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे एंड इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेशंस भी आपको स्टडी करनी है बोस मॉडल की। तो बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली दिखाई दे जाए, तो अब आपको ये विजिबल होगा। तो हम यहाँ थे बोस मॉडल के ऊपर, तो बोस मॉडल की हम लिमिटेशन भी स्टडी करेंगे। देन आ जाते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, शेल्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, अब ये सारा का सारा जो है, अब जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट्स में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम शेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, शेल्स और सब शेल दो तरह, पहले एक शेल स्टडी करेंगे फिर सब शेल भी स्टडी करेंगे। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मीनिंग यह है कि मैटर को आप पार्टिकल नेचर या फिर दूसरा हमारे पास रेडिएशन नेचर, दोनों तरह का नेचर हम एज्यूम करते हैं मैटर का। सिमिलरली जो हमारे लाइट रहती है, लाइट का भी हम ड्यूअल नेचर लेते हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर और रेडिएशन नेचर, ठीक है। उस अब आते हैं डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक रिलेशनशिप दिया था। देन आते हैं हेसनबर्ग्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बहुत सारे ना साइंटिस्ट के प्रिंसिपल पोस्टुलेट्स और इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे बोस एटॉमिक मॉडल मिल गया, ठीक है, अब आपने देखा हेसनबर्ग आ गया, डी ब्रोगली आ गया, ठीक है। तो इन सबको अलग अलग आपको याद रखना पड़ेगा, निशानी लगानी पड़ेगी किसने क्या दिया था। देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया इसका, हेसनबर्ग का, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड्स है ना इससे आपको आइडिया रहेगा, हेसनबर्ग ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, तो आपके दिमाग में अनसर्टेनिटी बैठ जाना चाहिए, ठीक है। बोस ने क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, डी ब्रोगली ने एक रिलेशनशिप दी थी, किससे रिलेटेड थी वो याद रखना पड़ेगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देन आते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर आपको पता है, ठीक है, एन होता है जैसे। तो देन आता है आपके पास शेप्स ऑफ, ठीक है, अब इनकी शेप्स देखनी है हमने, किस किस की, एस पी एंड डी, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है, एस पी और डी, ये तीन आपके सिलेबस में। देन रूल्स, ठीक है, अब रूल्स किस चीज़ के रूल्स हैं, फोर, फिलिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उसके लिए कुछ रूल बनाएंगे गए हैं, ठीक है, पहला ऑर्बिट कौन सा भरेगा, दूसरा कौन सा भरा जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, अब ये फिर साइंटिस्ट का नाम आ गया, ऑफ बाउ, ठीक है, ऑफ बाउ साइंटिस्ट का नाम है, इसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, तो ये प्रिंसिपल भी आपको देखना पड़ेगा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल है यहाँ पर। देन आए थे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन बना एक्सक्लूड से, ठीक है, कुछ चीज़ एक्सक्लूड होगी यहाँ पर, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड देन हंट्स रूल है, तो ये सारे के सारे आप देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे इस चैप्टर में, हंट्स रूल, ठीक है। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही आपको कैसे लिखते हैं, ठीक है। देन अब किस चीज़ का, एटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, एटम्स का होगा। देन हमारे पास आता है स्टेबिलिटी, किस चीज़ की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, ठीक है। देन ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, अब जो ऐसे एटम्स जिसमें ऑर्बिटल हमारे हाफ फील्ड है और ऐसे एटम जिनमें कंप्लीटली फील्ड है, तो उसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन से होंगे, ठीक है, तो उस चीज़ का स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कह लो या दोनों पर शॉर्ट नोट कह लो, इस टाइप का रहेगा इसमें। देन अगला चैप्टर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसको, पहला क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा क्या है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर पीरियोडिसिटी। अब यहाँ पर पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है,
ठीक है, वो फिजिक्स वाला पीरियोडिक नहीं है, यहाँ पर टाइम वाला नहीं है, यहाँ पर पीरियोडिसिटी का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो पीरियोडिसिटी है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे हम, देन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है, ठीक है, अब वहां पर उस पर बेस्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, हिस्ट्री में अब नहीं जाना, हिस्ट्री तो आपने 9th 10th में पढ़ ली, ठीक है, अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसा है, किस चीज पर बेस्ड है, थीम क्या था उसका, ये सब चीजें हैं। देन आता है पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल आप लोग देखोगे तो उसमें ट्रेंड्स क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट रखे गए हैं उनका प्रॉपर्टीज का ट्रेंड क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल बना है रेडियाई, ठीक है, एटम का रेडियस से बना है एटॉमिक रेडियाई। देन आया था आयनिक रेडियाई, अगर आयन है तो आयनिक रेडियस, तो रेडियस का प्लूरल होगा रेडियाई। देन इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस होता है नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं ये, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस रेडियाई, तो इनर्ट गैस का रेडियाई। देन आया था आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो एंथैल्पी को आप एनर्जी के फॉर्म में यूज समझो, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है ना, एंथैल्पी का फॉर्मूला है, तो एंथैल्पी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आयनाइजेशन करने में जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन करने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब सारी तरह की एंथैल्पीज आती रहेंगी यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब एंथैल्पीज मतलब एनर्जी के फॉर्म में इस प्रोसेस को करने के लिए कितनी एंथैल्पी चाहिए। देन आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वहाँ पर, देन वैलेंसी कितनी है, ठीक है, देन आता है हमारे पास यहाँ तक ये खत्म हो गया। देन आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स को नाम कैसे देंगे हम, ठीक है, एलिमेंट्स को नाम कैसे दिए, जैसे आईयूपीएसी नेम्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, अब ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनका नंबर एटॉमिक नंबर 100 से प्लस है, 100 प्लस है, जैसे 101 102 इस टाइप के जो है, तो उनको हमने नोमेनक्लेचर कैसे देना है, ठीक है, नाम कैसे देना है उनको। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, तो इसमें सारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड था, पीरियोडिक टेबल उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आया था हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स का आइडिया होना चाहिए आपको, जो आपने पहले पढ़ा है 9th 10th में, तो बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पहला होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड्स रहते हैं बेसिकली, तो किस में क्या होता है आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है, जैसे आयनिक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर होते हैं, उसमें कोवेलेंट में शेयर हो जाते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब बाहर वाले, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, आप सबसे पहले देखोगे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका नंबर देखोगे और उसमें देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देन आया था आयनिक बॉन्ड, ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड बता दिया मैंने आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर नहीं होंगे यहाँ पर, ट्रांसफर होंगे। देन आया था कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट में हम शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन इसकी, ठीक है, अब दो तरह के बॉन्ड्स आपने देख लिए। देन आता है बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। देन आता है लुईस, ठीक है, लुईस किसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, इसने क्या दिया था, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, अब लुईस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड है ये चीज। देन आया था पोलर करेक्टर ऑफ, ठीक है, पोलर करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलर करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट में हमें पता है कि शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर पोलर करेक्टर कह रहा है, कोवेलेंट में भी कुछ कुछ जो गुण होंगे या क्वालिटीज होंगी वो आयनिक वाली होंगी, तो पोलर करेक्टर। सिमिलरली जो आयनिक बॉन्ड होंगे उसमें कुछ क्वालिटीज होंगी कोवेलेंट की होंगी, तो पहला तो हो गया पोलर करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब दूसरा क्या है कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, उल्टा हो गया ना उससे, जस्ट अपोजिट हो गया। देन आया था वैलेंस बॉन्ड, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले उसमें कितने वेकेंट हैं, ठीक है,
तो उस पर बनती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, उसके इसमें बॉन्ड बनने के चांसेस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर्स के आधार पर बॉन्ड बनने के चांसेस कितने हैं, तो ये थ्योरी बना दी गई उसके लिए। देन आ गया रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस जो है ना, ये रेजोनेंस उस रेजोनेंस से बिल्कुल डिफरेंट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स वाला रेजोनेंस नहीं है यहाँ पर, रेजोनेंस का मीनिंग ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ केमिस्ट्री का रेजोनेंस फिजिक्स के रेजोनेंस से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो केमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेगा ये रेजोनेंस, ही ध्यान रखना है इसको, उसके साथ मिक्स नहीं करना। वहाँ पर तो हम रेजोनेंस पढ़ते थे ना वाइब्रेशन में फिजिक्स में। देन आए थे हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो कोवेलेंट मोलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, अब बन गया कोवेलेंट बॉन्ड ने यूज कर लिया, कोवेलेंट मोलिक्यूल बन गया, तो उनकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी। देन आए थे हमारे पास वी एस ई पी आर, ठीक है, तो वी एस ई पी आर थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को आपने पढ़ना है। उसके बाद आए थे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिड वर्ड आपने सुना होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है कि दो क्वालिटीज को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्पीशीज बनाते हैं हाइब्रिड स्पीशीज, ठीक है, जैसे कोई गाय की भैंस की हाइब्रिड स्पीशीज बना दी, या फिर हमारे पास जो बीज वगैरह बनते हैं, ठीक है, हाइब्रिड बना देते हैं उसमें, तो दो क्वालिटीज मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है सेम, उसमें यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो उस टाइप बायोलॉजिकल वाला नहीं होगा, यहाँ पर केमिकल वाला होगा। ठीक है, तो मिक्सिंग टाइप का रहेगा। आपको वर्ड, आपको वर्ड का आइडिया होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्स कर रहे हैं हम इसमें। देन आते हैं हमारे पास इन्वॉल्विंग, ठीक है, एस पी एन डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो है एस पी ओ डी ऑर्बिटल्स को आपने लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद शेप्स क्या है, शेप्स ऑफ किस चीज की शेप्स लेनी है, सम सिंपल, ठीक है, सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, सम सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप्स को हमने स्टडी करना है। देन आए थे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ, ठीक है, होमो, ठीक है, अब होमो न्यूक्लियर, होमो न्यूक्लियर, तो कुछ जो हमारे पास होमो न्यूक्लियर डायटोमिक, ठीक है, तो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक, डायटोमिक कैसे होता है, जिसमें दो एटम्स रहेंगे, मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल लेने हैं। देखिए इन पर वर्ड्स पे जाते हैं हम, तो मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए डायटोमिक, जिसमें कम से कम दो एटम्स रहें। ठीक है, और दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो होमो न्यूक्लियर होने चाहिए। ठीक है, उनके न्यूक्लियस सेम कैटेगरी का होने चाहिए, होमो न्यूक्लियर। ठीक है, तो उनका क्या स्टडी करना है हमने, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी करनी है हमने उनकी। तो इस टाइप से पूरा, तो एक स्पेसिफिक केस मिल गया आपको, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसकी स्टडी करनी है आपने। ठीक है, देन आए थे मोलिकुलर मोलिक्यूल्स आ गया, और साथ में हमारे पास क्वालिटेटिव साथ में लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट सिर्फ आपको आइडिया लेना है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव नहीं लेना, इसका मतलब यह है क्वालिटेटिव। देन आए थे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, लास्ट में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे लिख देते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से लास्ट में दे दिया गया आपको। अब यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो रिडॉक्स जो वर्ड है, देखिए वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, तो रीड जो है वो रिड्यूसिंग से आया, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन से आया। ठीक है, तो दो तरह के रहता है ऑक्सीडेशन, किसको कहते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो रिड्यूसिंग हो जाएगा, इस टाइप से रहता है। तो अब रिड्यूस रिडॉक्स रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो मैंने बताया था आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिड्यूसिंग दोनों होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पहले क्या हो गया, एंड दूसरा क्या है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। देन उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, पहले इन दोनों को समझ लिया, तो उसका फिर मिक्सिंग वाला समझ लिया कि कंप्लीट क्या है। देन आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एक एक फिजिकल क्वांटिटी बना ले इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देन आए थे हमारे पास बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग करोगे आप रिडॉक्स रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन आप करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, रिएक्टेंट रहते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रहते हैं, तो जब आप रिएक्शन पूरा कर लेते हो तो उसकी बैलेंसिंग करनी जरूरी होती है, तो यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन भी जो भी होगा, ठीक है, उसकी भी बैलेंसिंग करेंगे हम। देन आए थे हमारे पास इन, ये साथ में लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, बैलेंसिंग करनी है ना, तो इन टर्म्स ऑफ क्या करनी है, लॉस एंड गेन ऑफ, किस चीज का लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेंगे या कम होंगे, ठीक है, एंड दूसरा क्या है, चेंज इन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा या ज्यादा होगा, इस टर्म्स में हमने बैलेंसिंग करनी है। देन आता है हाइड्रोजन, ठीक है, अब हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे, ओनली हाइड्रोजन, ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बिल्कुल बेसिक रहता है ना एलिमेंट, तो इसका हम स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन क्या है, पोजीशन क्या है इसकी, हाइड्रोजन की कहाँ पर, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पोजीशन हमेशा कहाँ मिलेगी, पीरियोडिक टेबल मिलेगी, कहाँ रखते हैं हम हाइड्रोजन को, ठीक है। देन आता है ऑक्रेंस, होती कैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सही, ठीक है, और आइसोटॉप्स क्या होते हैं हाइड्रोजन के, अब हाइड्रोजन को आपको पता है ना, जैसे हाइड्रोजन वन, हाइड्रोजन टू, हाइड्रोजन थ्री, ठीक है, इस तरह से होता है, तो अब क्या होता है, एटॉमिक जो नंबर तो है सेम, ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो वो क्या बन जाते हैं, आइसोटॉप्स बनते हैं, इससे उल्टा आइसोबार भी होता है, तो आइसोबार में क्या हो जाता है, एटॉमिक मास तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन और निकल का केस होता है। देन आता है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स एच आई, ठीक है, हाइड्रोजन और मिला दो आयोडीन को, हाइड्राइड, तो इसमें आयनिक कोवेलेंट एंड, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है, फिजिकल, अब इंटरस्टिशियल तो बीच की स्टेज है, ठीक है, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी स्टडी करनी है हमने, ठीक है, ऑफ किस चीज की, वाटर, ठीक है, वाटर की ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आपको स्टडी करना है। अब आपको पता है ना, वाइट वाटर जो बनता है वो हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है, एच टू होता है वाटर, और उसके बाद आता है हैवी वाटर, डी टू ओ बोलते हैं, ठीक है, ये हैवी वाटर होता है। देन आता है हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह से भी यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह से यूज कर सकते हैं। देन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सीधा आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आएगा ना वर्ड, तो वहां पर कार्बन होगी होगी जरूर, ठीक है, कार्बन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड, ठीक है, टेक्निक्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स पढ़नी है आपको, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं, ठीक है, देन क्लासिफिकेशन एंड, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो इसका मीनिंग क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो इसका मीनिंग यह है कि आपका जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, आईयूपीएसी का मीनिंग यह है, तो ये इसका काम क्या है, ये नाम देता रहता है, ठीक है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर है, जो भी हमारा केमिकल कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया, ठीक है, हर किसी को नाम देगा, अपने नाम देगा ये, ठीक है, तो ये सबको नाम देता है, नोमेनक्लेचर ऑफ यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, जो कार्बन बनाएगी, ठीक है, तो कार्बन जो भी बनाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना यहाँ पर, तो कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम कैसे देना है, तो वो कौन देता है, आईयूपीएसी देता है। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता शेयर होते हैं उसमें, देन इंडक्टिव क्या होता है इसमें, ठीक है, इंडक्टिव, देन आता है इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, अब यहाँ पर इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देन आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोमीट्रिक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट आ गया इलेक्ट्रोमीट्रिक इफेक्ट, देन आ जाता है हमारे पास रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस हमने पहले भी देखा ऊपर, रेजोनेंस एंड, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन आ जाता है हमारे पास होमोलिटिक एंड, ठीक है, हेट्रोलिटिक फिशन, तो यहाँ पर जो फिशन है वो किस चीज का फिशन है, ये फिशन कोवेलेंट बॉन्ड्स का, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का फिशन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो टूटेंगे वो होमोलिटिक होगा नेचर उनका या हेट्रोलिटिक होगा। उसके बाद आए थे हम फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, देन आए थे कार्बो कैटायंस और दूसरा है कार्बो एनायंस, तो यहाँ पर कार्बन के जो कैटायन और एनायन मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज है कैटायन हो गए और जो नेगेटिवली चार्ज है वो है हमारे पास एनायन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के भूखे हैं, ठीक है,
और न्यूक्लियोफाइल क्या है, जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन आए थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप के रहते हैं ये हमने स्टडी करना है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास अब टर्म टू में आएगा वो। तो टर्म वन का सिलेबस आपका इतना ही था, तो टर्म टू में देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो टर्म टू हमारा स्टार्ट होता है यूनिट नंबर वन जो है यहाँ पर है स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर गैसेस पढ़नी है आपने और साथ में लिक्विड्स पढ़ने हैं। तो आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ आपके सिलेबस में लिक्विड एंड गैसेस है सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेंगे बाद में अभी। तो पहले हम एक बार यूनिट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं टर्म टू में। तो पहला आ गया स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पर आपको गैस और लिक्विड पढ़ने हैं। देन है हमारे पास दूसरा है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। अब थर्मोडाइनमिक्स जो है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और थर्मोडाइनमिक्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो थर्मोडाइनमिक्स आप पढ़ेंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए हम इसको बोल देते हैं केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। देन आता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम रहेगा ना, ये भी फोर्सेस का इक्विलिब्रियम नहीं है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। तो इक्विलिब्रियम भी कई तरह का है, फिजिक्स का इक्विलिब्रियम अलग है, केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम अलग है। देन आए थे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब आपको पता है ना एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। तो अभी आपके सिलेबस में यहाँ पर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आए थे सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आपने कुछ एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी स्टडी करने हैं। और लास्ट में आपके पास आए थे हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स आपको स्टडी करने हैं। तो ये सब आपका था टर्म टू का सिलेबस। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, पहले 15 मार्क्स हैं, तो 15 मार्क्स जो हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो फर्स्ट थ्री यूनिट्स जो हैं वो 15 मार्क्स में कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 11 मार्क्स के आपके दो यूनिट हैं, ठीक है, 3 + 2 = 5 हो गया। और लास्ट का जो यूनिट है वो आपका 9 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो है 35 मार्क्स आपके टर्म टू के हैं। टर्म टू में हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो टर्म टू का जो सिलेबस है इसमें आपके पास सबसे पहला है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें हमारे लिक्विड और गैसेस पढ़ने हैं हमने। तो लिक्विड और गैस में आप देखिए सबसे पहला क्या है टॉपिक, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये थ्री स्टेट्स हैं मैटर की। उसके बाद आए थे हमारे पास इंटर मोलिकुलर। तो जब भी वर्ड आता है ना इंटर, इंटर मतलब एक दूसरे के बीच में, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर वर्ड आता ना इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो इसका मीनिंग होता है विद इन मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पर जो क्या है इंट्रैक्शंस, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे इंटैक्ट करेगा। देन आए थे टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग किस तरह की रहेगी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तब आया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और जिस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है इस तरह से। देन रोल ऑफ गैस लॉज, ठीक है। अब गैस लॉज क्या होते हैं, तो आगे आपके पास आ जाएंगे गैस लॉज इन, ठीक है, कहाँ पर गैस लॉ का रोल कहाँ पर है, इल्यूसिडेटिंग, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ इल्यूसिडेटिंग मतलब आपको जो क्लियर कर दे ज़्यादा, इस तरह से समझो आप कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्प कैसे करेगा आपकी इन मॉलिक्यूल, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तब आए थे हमारे पास अब गैस लॉज बनते कैसे हैं, ठीक है, अब इनका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, और तीसरा हमारे पास गे लुसिस लॉ, ये तीन तरह के लॉज हैं हमारे पास। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिंपल, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जो थर्ड लॉ है इन दोनों से ड्राइव होता है, दैट इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस तरह से, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। दूसरा क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपको पता ही है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ये तीसरा हो गया।
ठीक है, आप तीनों को मिला दो अगर तो पी वी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये तीनों को मिला के गैस लॉ बनता है। ठीक है, देन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी बना लेते हैं हम। देन आता है एवोगाड्रोस लॉ। अब एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम और जो मोल्स का रेशियो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर क्या है? परफेक्ट गैसेस या आइडियल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, कुछ गैसेस हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आइडियल गैस को तो उनका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर जो होगा उसको बोलेंगे आइडियल बिहेवियर। एक्चुअल गैस नहीं होती, रियल गैसेस आइडियल गैस से डिफरेंट हो जाती हैं। देन आते हैं एम्पेरिकल डेरिवेशन ऑफ, ठीक है, गैस कॉन्स्टेंट। तो गैस कॉन्स्टेंट का हम गैस इक्वेशन कह लो, गैस इक्वेशन को हम एम्पेरिकली यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं, पी वी इक्वल टू एम आर टी इस तरह से करके। देन एवोगाड्रोस नंबर आता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन यही है। देन आता है हमारे पास डेविएशन क्या होगी आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, अब वो आइडियल गैस जो इक्वेशन है ना, पी वी इक्वल टू एम आर टी, ये एक्चुअली आइडियल गैस है ही नहीं जब, तो इक्वेशन तो एप्लीकेबल सिर्फ उसी के लिए थी ना, तो उसके लिए डेविएशन तो होना ही होना है। तो डेविएट होके कहाँ जाएगी वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसमें क्या क्या करेक्शन लगाएंगे। देन आता है हमारे पास केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, अब केमिस्ट्री वाला थर्मोडाइनमिक्स आपको स्टडी करना है। थर्मोडाइनमिक्स है क्या एक्चुअली? हीट और वर्क का मेल है, जो हीट और वर्क का आपस में जो कन्वर्जन है, हीट टू वर्क, वर्क टू हीट, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो वर्क डन रहता है ना, वर्क डन भी थर्मोडाइनमिक्स में वो वाला वर्क डन नहीं है जो हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक है, वर्क तभी होगा जब कुछ वो टेम्परेचर को रेज कर पाए ना, वर्क ऐसा होना चाहिए जो टेम्परेचर को रेज कर पाए या फिर हीट जो है वर्क को प्रोड्यूस कर सके। तो इंट्रैक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क। देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम क्या कहते हैं? ठीक है, अब जहाँ पर भी रिएक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, एक बाउंड्री बना लेते हैं सिस्टम की, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो है हमारा मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, ओपन है बिल्कुल, वो मैटर भी आ जा सकता है और हमारी जो हीट भी है वो भी आ जा सकती है। क्लोज में क्या होगा? क्लोज में मैटर नहीं आ जा सकता, हीट ही अलाउड है सिर्फ। ठीक है, और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं, ना मैटर ना हीट, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब सराउंडिंग क्या है? ठीक है, तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, जो सिस्टम से बाहर है वो सराउंडिंग है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के बन जाता है यूनिवर्स हमारा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देन वर्क क्या है, हीट क्या है? ठीक है, वर्क की डेफिनेशन थर्मोडाइनमिक के लिए आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली हीट, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट का टेम्परेचर के साथ एसोसिएशन है ना यहाँ पर। ठीक है, देन हीट एनर्जी आ गया ना, हीट अलग है, एनर्जी अलग है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी भी यहाँ कई तरह की एनर्जी है यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स, जैसे इंटरनल एनर्जी है। देन हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें सिंपल रहता है, एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टीज हैं जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और इंटेंसिव वो हैं जिनका मास से कोई लेना देना नहीं है, मास पर डिपेंडेंट नहीं है। देन आते हैं स्टेट फंक्शन। अब कुछ एक जो चीज़ें हैं वो स्टेट फंक्शन है जो पोजीशन पर डिपेंड करेंगी, पाथ से उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। और जो पाथ पर डिपेंडेंट है वो पाथ फंक्शन है। ठीक है, एक अब स्टेट क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक स्टेट है, हमने पॉइंट वन कह लिया, तो वहाँ पर प्रेशर क्या है? पी वन है। वॉल्यूम क्या है? वी वन है। टेम्परेचर क्या है? टी वन है। अब जो है प्रोसेस होगी, ठीक है, एक पाथ फॉलो किया जाएगा, तो दूसरे पॉइंट नंबर टू पर पहुँच गए हम। ठीक है, तो वहाँ पर P क्या है, प्रेशर कितना है? P2 है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? V2 है। टेम्परेचर कितना है? T2 है। अब हमें ये बताना है कि क्या PVT स्टेट फंक्शन है या PVT हमारे पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगी वो पाथ फंक्शन होगी, और सिर्फ सिर्फ जो हमारी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगी, पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, वो हमारी स्टेट फंक्शन होंगी। देन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी कहना इधर भी क्रिएटेड नॉन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इस टाइप का रहेगा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या देखिए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, तो यू यहाँ पर हमारा इंटरनल एनर्जी रहता है। एंड दूसरा क्या है एंथैल्पी, एच क्या होती है एंथैल्पी होती है, तो मैंने रिलेशन से थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी, एंथैल्पी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, देन आए थे हमारे पास मेजरमेंट, किस चीज़ का मेजरमेंट करना हमने, मेजरमेंट ऑफ यू, यू मतलब इंटरनल एनर्जी एंड एच एच मतलब एंथैल्पी। देन आया था हमारे पास ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक लॉ दे दिया हेसेस लॉ। ठीक है, हेसेस लॉ ऑफ किस चीज से रिलेटेड है ये, कांस्टेंट, ठीक है, हीट, कांस्टेंट हीट का इसने लॉ दिया था, कांस्टेंट हीट समेशन, समेशन मतलब पूरा सम, सम से बना समेशन। ठीक है, टोटल जो हीट है वो मतलब कांस्टेंट रहेगी। देन आए थे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, अब बहुत सारी एंथैल्पीज आएंगी आपकी। ठीक है, एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होंगे उनकी अलग अलग एंथैल्पी आप केमिस्ट्री में, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का आपका जो रीजन था ना वो यही था कि कोई रिएक्शन हो रहा है उसके आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड जब टूटता है, ठीक है, उस टाइम कितनी एंथैल्पी मतलब कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, जब बॉन्ड टूटता है। दूसरा क्या आ गया, कंबशन के दौरान एंथैल्पी, ठीक है, दूसरी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको इस तरह से समझना। देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ नई चीज फॉर्म हो रही है। देन आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, देन आता है सब्लिमेशन, ये सब प्रोसेसेस है। ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन आल्सो प्रोसेस। देन आता है फेज, ठीक है, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन के दौरान एंथैल्पी क्या होती है। लास्ट में आया था आयनाइजेशन के एंथैल्पी, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ। देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब आप एक चीज में जैसे सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को घोल रहे हो तो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसमें एंथैल्पी क्या चेंज आएगा। देन आया था एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन, डिल्यूट कर रहे हो किसी चीज को, तो ये सारे के सारे जो है ना केमिकल रिएक्शन ही है। देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आ जाते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसका ब्रीफ ही रहेगा क्योंकि इसका यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो ब्रीफ में इसको ख़त्म निपटा दो। देन आया था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, पहले एंथैल्पी आई थी पूरी पूरी फर्स्ट लॉ में, अब यहाँ पर क्या आया था एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, आपको पता है कि प्रकृति जो नेचर है, नेचर में सब डिसऑर्डर में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डिसऑर्डर फॉर्म में, ठीक है, रैंडम मूवमेंट्स रहती हैं, तो मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो यहाँ पे हमें पहला टॉपिक बन जाता है एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, मतलब ये पाथ फंक्शन नहीं है। ऊपर मैंने बताया आपको स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये एंड स्टेट्स पर डिपेंडेंट है ओनली। ठीक है, पॉइंट वन और पॉइंट टू, बीच वाला क्या हुआ कुछ नहीं लेना देना उसको, एंट्रोपी को। ठीक है, अब आता है गिब्स एनर्जी। अब जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस का एक फॉर्मूला होता है, जी क्या होता है उसमें गिब्स एनर्जी होती है, एच होती है आपके एंथैल्पी, टी होता है टेम्परेचर और एस होते हैं हमारे पास एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी में एंथैल्पी और एंट्रोपी और टेम्परेचर, इन तीनों का रिलेशनशिप है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है चेंज फॉर, अब गिब्स एनर्जी, ठीक है, अब इसमें चेंज डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी हो गया फोर। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, दो तरह के रिएक्शन है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई एफर्ट ना लगे, अपने आप हो जाए, जैसे आपने बर्फ को रख दिया तो धीरे 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 करके पिघल जाएगी, तो वो रिएक्शन, वो क्या है रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही हो रहा है, प्राकृतिक हो रहा है। अब दोबारा तो नहीं बनेगा ना पानी की बर्फ, अपने आप तो नहीं बनेगी ना, फ्रिज में रखना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ रिएक्शन अपने आप होते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी में हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, स्पॉन्टेनियस के अलग से और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए अलग से। देन आए थे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो एक्चुअली तीन चार लॉ होते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, तो जीरोथ लॉ जो था फंडामेंटल था, इसलिए इसका नाम वो बाद में आया, लेकिन वो फर्स्ट लॉ से ज़्यादा फंडामेंटल था, इसलिए उसका नाम जीरोथ लॉ रख लिया गया था। तो ये थर्ड लॉ जो है वो बेसिकली एंट्रोपी से ही रिलेटेड है। अब हमारा आ जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो मैंने पहले बताया था इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना वो फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा।
तो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखेंगे हम, इक्विलिब्रियम में किसमें, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, प्रोसेसेस। अब यहाँ पर देखो, इसने पहले क्लियर कर दिया आपको फिजिकल और केमिकल दोनों में, कि हमें तो केमिकल से मतलब है ना, कहीं फिजिकल के धोखे में मत रहना यहाँ पर। देन आता है डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक नेचर का मतलब है कि वो बदलता रहता है, ठीक है, स्टेटिक नहीं है, वो टाइम के साथ बदलता रहता है, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ वाला जो इक्विलिब्रियम है उसका नेचर ही डायनेमिक है। देन आता है लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन का लॉ। देन आता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, अब ये मैथमेटिक्स आ गया यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। देन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास है तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल आपको सबसे पहले, ये वाला इस साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल दे दिया था, उसको आपको करना पड़ेगा। देन आता है आयनिक, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। देन आयनाइजेशन, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी है। आयनाइजेशन ऑफ किस चीज़ की आयनाइजेशन, एसिड्स की, ठीक है, एसिड आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, एंड दूसरा क्या है, बेसिस, ठीक है, बेस और एसिड के आयनाइजेशन। देन आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको पता है ना, जैसे बैटरी का सेल है तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है जिससे पूरा के पूरे बिजली जनरेट हो जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग है और वीक है, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट वीक होंगे, कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे और किस चीज पे डिपेंड करेंगे वो। देन आ जाता है हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो आयंस बनते हैं तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बना दिया गया है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देन है आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेस, ठीक है, पॉलीबेस एसिड्स, पॉलीबेसिक एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो पॉलीबेसिक है, और इसके अपोजिट क्या होंगे, एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, अच्छा स्ट्रेंथ अलग है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच अलग है, एंड स्ट्रेंथ। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पॉलीबेसिक एसिड्स आ गया, देन एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, अगर हम टर्म देखें एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा, एसिडिक कितनी क्वालिटीज है उसके अंदर, एसिड के अंदर, तो आपने देखा होगा डिल्यूट एसिड्स होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ कैसे, जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ रही है हमारी, तो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, अब पीएच का क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल पीएच रहना चाहिए वो 7 के अराउंड रहना चाहिए, तो 7 से जो नीचे रहता है वो एसिडिक नेचर आ जाता है, 7 से ऊपर हमारा बेसिक नेचर स्टार्ट हो जाता है। जैसे वाटर का भी पीएच हम फाइंड आउट करते हैं ना, भी पानी पीने लायक है या नहीं है, इसमें एसिडिक कंटेंट या बेसिक कंटेंट तो नहीं है। देन आता है हमारे पास बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए आपको यहाँ पर, कि सॉल्वेंट के अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो कितनी आसानी से घुल जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन कितनी आसानी से बन जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देन आता है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट आपको ये पूरा एक इफेक्ट है जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये आपको इसको डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल वगैरह सारा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है विद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, ठीक है, आपको एग्जांपल्स के साथ इसको पढ़ना है। तो ये हमारा यूनिट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इस यूनिट में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर इक्विलिब्रियम था, अब यहाँ पर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक मतलब कहाँ से, आपने जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स, तो ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स देख लेने आपने वहाँ पर जाकर, देन उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो सब देखना है आपको, देन जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, उनकी जनरल इंट्रोडक्शन मतलब कौन कौन से हैं ये देख लो सबसे पहले, देन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उनका, ठीक है, ग्रुप वन का और ग्रुप टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, देन ऑकरेंस, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास
एनोमलस प्रॉपर्टीज, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। अब दो ग्रुप्स हैं तो दोनों ग्रुप्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके एनोमलस प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है। देन आए थे हमारे पास डायगनल, ठीक है, डायगनल रिलेशनशिप, डायगनल रिलेशनशिप ट्रेंड्स। तो अब ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास डायगनल होना चाहिए, मतलब ना तो सी हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ये डायगनल है। तो उसमें प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें देखिए साथ में ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है सच एज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लेनी है हमने, सच एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब आयनाइजेशन करने के लिए कितनी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, वो वाली प्रॉपर्टी। देन आया था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है, रेडियाई आपको पता है रेडियस का प्लूरल है, रेडियाई उनका आयनिक या आयनिक और एटॉमिक जो रेडियस है उनका वेरिएशन कैसा हो रहा है। देन आया था ट्रेंड्स इन, ठीक है, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा है, ठीक है, प्लस हो रही है माइनस हो रही है, विद ऑक्सीजन, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बढ़ रही है घट रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, वाटर के साथ, ठीक है, ये सारी के सारी हमने स्टडी करनी है। पहला है ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, देन वाटर के साथ, देन हाइड्रोजन, और लास्ट में हमारे पास है हैलोजन, ठीक है, और लास्ट में लिख दिया गया यूजेस, इन सबके यूजेस क्या हैं, मतलब इसका मीनिंग यह है कि जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके यूजेस क्या हैं। अब आता है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सम पी ब्लॉक लिख दिया गया है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक ही आपने स्टडी करने हैं सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें देख लेते हैं जनरल, ठीक है, पहला क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, उनका क्या स्थान होगा, ये सब चीजें आपको देखनी है बेसिक। देन आता है ग्रुप 13, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो जैसे वहां पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था यहाँ पर ग्रुप 13 आ गया। देन आता है जनरल इंट्रोडक्शन फिर से आ गया, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही बात है यहाँ भी वही चीज है, ऑकरेंस भी है यहाँ पर भी, देखिए सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ यहाँ पर ग्रुप बदल गया। वेरिएशन ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज। देन आता है ऑक्सीडेशन, तो वहां भी ऑक्सीडेशन स्टडी किया था, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी। देन यहाँ भी एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, वहाँ भी किया था हमने, सेम चीज वही आ रही है। देन आता है बोरोन, बोरोन हमारे पास है, जो बोरोन के बारे में हमें ग्रुप बोरोन यहाँ पर जो है ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बोरोन के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। बोरोन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन, तो ये ग्रुप 13 हो गया। अब आ गया ग्रुप 14, ठीक है, तो पी ब्लॉक में चल रहे हैं हम, तो पी ब्लॉक में पहला है ग्रुप 13, देन है ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में क्या क्या रहेगा, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सेम चीजें, जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया आपने, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया आपने इनका, देन ऑकरेंस कर ली, देन वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है इनकी, देन ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, फिर आ गया एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का, देखिए उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट का ही करना, सबका एनोमलस बिहेवियर फर्स्ट एलिमेंट का। देन यहाँ पर कार्बन, जैसे वहाँ बोरोन था ना, यहाँ पर कार्बन के बारे में आएगा, ठीक है, कार्बन बिलोंग करता है ना यहाँ से, तो कार्बन सॉरी, तो यहाँ पर जो है कार्बन, ठीक है, कैटनेशन, ठीक है, कैटनेशन, कार्बन कैटनेशन, तो ये कैटायन और एनायन दोनों को मिला दिया गया है, ध्यान से देखें। देन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, अब कार्बन की ना डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला जो यूनिट है हमारा है वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, तो हाइड्रोकार्बन मतलब सी एच, जैसे ना कार्बन हो गया सी,
और हाइड्रोजन हो गया एच, मतलब दोनों चीजें पाई जाएंगी हाइड्रोकार्बन में, सी और एच। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम हाइड्रोकार्बन की, सबसे पहला है देन एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक एलिफैटिक हो गया, दूसरा एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एलोफैटिक जैसे हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इस टाइप के रहेंगे, और एरोमेटिक हमारा बेंजीन टाइप का रिंग स्ट्रक्चर टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पर पहले है हमारे पास एलोफैटिक। तो एलिफैटिक में है आपके पास, देखिए सबसे पहला क्या है, एल्केन्स ही हैं, ठीक है। एल्केन मिथेन हो गया, इथेन हो गया, इस टाइप के रहेंगे। देन का नॉर्मल क्लेचर जैसे आई यू पी सी नेमिंग वगैरह है। देन इनमें आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। छोटों वालों में तो नहीं होती है, बड़े वालों में होनी स्टार्ट हो जाती है आइसोमरिज्म। देन क्या है, कॉन्फर्मेशन, ठीक है, कॉन्फर्मेशन। तो इसमें आपको देखिए इथेन की करनी है, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया आपको सिलेबस में। तो कन्फर्मेशन किसकी करनी है, इथेन की। तो मिथेन के बाद इथेन आता है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, या केमिकल रिएक्शंस क्या है इनके। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आपका। हाँ जी, अच्छा अभी तो है इसमें डिटेल में है। तो एल्केन कर लिया जब, तो एल्कीन पर आ जाओ आप। देखिए तीनों मिलेंगे आपको, एल्केन यहाँ पर एल्कीन लिखा है, और एल्कीन के बाद यहाँ पर एल्काइंस लिखा है, ठीक है। तो जैसे मिथेन, इथेन होता है, ठीक है, इथीन होता है और इथाइन होता है, तीन हो गए ना। तो देखिए इन सब में ना सेम चीज़ें ही स्टडी करनी है हमने, जैसे इनका नॉमनक्लेचर वगैरह, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से हमें सारा स्टडी करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है इसमें, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सब सेम है, रिपीट नहीं करना मैं इस चीज़ को इसमें, ठीक है। सेम चीज़ें हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों की करनी है। उसके बाद जो दूसरे तरह के हाइड्रोकार्बन थे ना, वो थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन वगैरह रहता है, रिंग स्ट्रक्चर रहता है ना जिसमें, तो उसमें आए थे हम। तो यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन है, आई यू पी एस सी नॉमनक्लेचर आ गया इनका, बेंजीन लिखा ही हुआ है साफ साफ, ठीक है। अब इनके अंदर ना एक रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये रेजोनेंस जो है ना आपका, वो फिजिक्स वाला रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, ये केमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेजोनेंस है। तो यहाँ पर क्या है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एरोमेटिक से बना दिया इसने, एरोमेटिसिटी। देन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारे के सारे रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनके आपके इक्वेशंस जैसे करनी पड़ेंगी, नाइट्रेशन कैसे करेंगे इसका, बेंजीन का, ठीक है। देन आएगा सल्फोनेशन कैसे करेंगे, हैलोजनेशन कैसे करेंगे। देन हमारे पास आयत है फीडल क्राफ्ट्स, ठीक है, फीडल क्राफ्ट्स एल्किलेशन, ये भी रिएक्शन ही है। एसाइलेशन कैसे करेंगे। देन आता है डायरेक्टिव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव बना है डायरेक्शन से, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ। तो आपको पता है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहता है, तो बाहर एच होते हैं, सिक्स सिक्स एच होते हैं ना। देन फंक्शनल ग्रुप इन, ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने एक एच हटा के कुछ और लगा दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंगल एच हटाया आपने, तो यहाँ पर जनरली मोनो और डाया पाए जाते हैं। अगर आप दो एच हटा देते हैं तो डाया हो जाएगा, डाया सब्स्टिट्यूटेड, अगर एक एच हटाते हैं तो मोनो हो जाता है। तो ये बेंजीन के टाइप्स हैं दो तरह के जो मेनली होते हैं। देन कार्सिन, ठीक है, यहाँ पर जो कार्सिनो जेनिसिटी, इसका मतलब होता है कैंसर जनरेशन, जो प्रॉपर्टीज होती है ना इसका, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। दूसरा क्या है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है केमिस्ट्री का। ये हमारा क्लास 11 का केमिस्ट्री का सिलेबस था, फिजिक्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो बाकी वीडियोज भी धीरे धीरे आ जाएंगे, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए।
और इसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।